मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आह्वान के बाद झुंझुनू एसपी जेसी शर्मा ने जिले में नो मास्क नो एंट्री अभियान चलाया है, जिसे लेकर लोग ही जागरूक नहीं है। और इसमें एक तो लापरवाही बरती जा रही है और दूसरा पुलिस इस पर कार्यवाही करती है तो रौब भी दिखाया जा रहा है। मामला झुंझुनू शहर के रोडवेज बस स्टैंड का है, जहां पर बीती रात को कोतवाली थाने में कार्यरत एएसआई अशोक कुमार बिना मास्क पहने बाजार आने जाने वाले लोगों पर कार्यवाही कर रहे थे। बस स्टैंड पर एक गाड़ी से अपने बच्चों के साथ उतरा एक युवक जो खुद को फौजी बता रहा था, उसके मुंह पर मास्क नहीं था, तो एएसआई अशोक कुमार ने चालान काटा। तो तैश में यह कथित फौजी युवक भड़क गया और बहस करने लगा कि उसने मास्क लगा रखा है। एएसआई ने यहाँ तक कहा कि उसके साथ बच्चे हैं, इसलिए तो थोड़ा ध्यान रखो, लेकिन बाद में उसने किसी को फोन करवाया और चला गया। लेकिन इस तरह की बहस से लोग खुद अपना जीवन संकट में डाल रहे हैं, यह समझना होगा। अब बुला ले जिसको बुलाना, मैं ही बुलाता हूँ। फोन दे मेरे को, मेरे को दे फोन। तू ये डायरी कर रहा है? बुला ले आप, मैं बुलाता हूँ। कितने मास्क कितने घूम रहे हैं बच्चे हाथ में, तुम बोलो नहीं समझ रहे हो? मेरे हाथ में मास्क लेके खड़ा हूँ मैं। आप बात नहीं कर रहे हैं आपके जेब में था, अभी आप मैं बोलने के बाद में आप ले। मैं ड्यूटी पर्सन, मैं खुद सर्विस पर्सन हूँ, मेरे को आप सिखा रहे हो डिसिप्लिन? सोशल डिस्टेंस बिना मास्क के हम ये कार्रवाई के लिए हम बस स्टैंड सामने संगम मार्केट की तरफ आए थे। यहाँ एक गाड़ी खड़ी थी, उसमें तो एक व्यक्ति था, वो उसने मास्क नहीं लगा रखा। तो उसने कहा कि अगर मैंने तो मास्क लगा रखा, तो मैंने कहा आपने मास्क नहीं लगा रखा, बच्चे आपके पास हैं और ऐसे तो ये गलत है, सोशल डिस्टेंस का इसका मास्क लगाना जरूरी है। तो उसके आधार पर उसके खिलाफ क्या जद्दोजहद हुई? क्या जद्दोजहद? तो वो कहने लग गया मैंने मास्क लगा रखा था, उसने बात की मास्क नहीं लगा रखा।